सवाल नंबर एक, खाने के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। सवाल नंबर दो, सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। सवाल नंबर तीन, लंबे समय तक क्यों नहीं बैठना चाहिए। सवाल नंबर चार, खेलना क्यों जरूरी है। गाइस, इस तरह का जानकारी यदि आपको लेना है तो वीडियो पर बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, खाने के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। खाने में मौजूद प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए शरीर को समय देना चाहिए। खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से इस प्रक्रिया पर असर पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। सवाल नंबर दो, सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए। सूरज डूबने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। दरअसल ऐसा मान्यता है कि शाम के वक्त झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर के बाहर चली जाती है। एक वजह यह भी है कि पुराने जमाने में बिजली नहीं होती थी। सवाल नंबर तीन, लंबे समय तक क्यों नहीं बैठना चाहिए। लंबे समय तक बैठने से विभिन्न अंगों को नुकसान हो सकता है। लंबे समय तक बैठे रहने से उपयुक्त रक्त की समस्या हो सकती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। बिल्कुल नहीं या बहुत कम बैठने वाले लोगों की तुलना में ज़्यादा समय तक बैठने वाले को इन बीमारियों के होने की दुगनी आशंका होती है। सवाल नंबर चार, खेलना क्यों जरूरी है। जिस तरह दिमाग का सही विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, उसी तरह शारीरिक विकास के लिए खेल महत्वपूर्ण है। शिक्षा के माध्यम से हम टीम भावना नहीं सीख सकते, लेकिन खेल से यह संभव है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।